क्या कर रहे हो? अरे देख लेना ना, जब इसमें कद्दू फलेंगे तो। अरे मुझे भूख लगी है, कितना अच्छा कद्दू है, मुझे एक दोगे क्या? हाँ हाँ बुढ़ी अम्मा, ले जाओ तुम्ही, हमारी तो किस्मत ही खराब है, कद्दू के पौधे भी लगाए तो ये कहीं फल आया, ले जाओ। अरे भैरव, ये कद्दू कहाँ से आ गया? देखा, पौधे आ गए ना, अब जल्दी ही ये बड़े हो जाएंगे। वैसे भी सब्जियों के पौधों को बड़े होने में वक्त नहीं लगता है। अरे बिजली, क्या फल आए हैं, मस्त सब्जियां हैं, सब तरह की सब्जी है, मजा आ गया। इन सब्जियों को देखकर तो मन में लालच हो जाती है। हाँ, ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं। आप इसे बाजार में ले जाओ और बाजार में बेचो, देखना अच्छा मुनाफा होगा। ये लो, तुम्हारी टोकरी भर गई, अब जाओ बाजार और बाजार में इसे बेच कर आओ। अरे रे रे, कलमू है, क्या लेकर आया है? अरे मौसी, आज सब्जियां लाया हूँ, अपने खेत की है, एकदम ताजी ताजी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अरे रे रे, वो तो देख के ही लग रहा है, दे दे मुझे सब्जियाँ, जितनी मर्जी उतनी, मैं पैसे दे दूंगी। बिजली और गौरी तालाब में बर्तन साफ कर रही थी। तालाब में बिजली एक बर्तन को डालती है, फिर धोकर उसे निकाल कर बाहर रखती है। गौरी भी एक बर्तन को डालती है और फिर धोकर उसे निकाल कर बाहर रखती है। दीदी, ये घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तुम बताओ आज क्या बना रही हो खाने में? अरे क्या बनाऊंगी गौरी, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, ये दोनों तो सुनते ही नहीं है। मैं तो कालू जी को बोल बोल कर थक गई हूँ, कोई और काम करो जिससे आमदनी हो, चार पैसे आए। हाँ दीदी, मैं भी भैरव जी को बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है, उसी मुखिया के पास चले जाते हैं, वहीं गोदाम में काम करने लगते हैं। अरे क्या करें, हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। दीदी मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। हाँ गौरी, बस मेरा भी दो बर्तन बचा हुआ है, मैं भी धोकर निकल जाऊंगी। सुन रहे हो, अजी उठोगे भी, सुबह हो गई है। हो, उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ। अरे जाना है, मुखिया जी नाराज होने लगेंगे। अरे मैं कहती हूँ, आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चलो अभी मुझे कुछ खाने को दो, मैं रात में बात करूंगा आकर। ये लो। अरे ये क्या है? सूखे चूड़े और कुछ नहीं? सिर्फ ये चूड़ा है। अरे सिर्फ चूड़ा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, घर में कुछ भी नहीं है,
बार बार कहती हूँ नौकरी बदल लो, नौकरी बदल लो, तुम सुनते नहीं हो। अच्छा अब मुझे नहीं खाना, मैं आ रहा हूँ। और भाई भैरव कैसे हो? ठीक हूँ, बस चल रही है। और घर में सब ठीक है? अरे ठीक ही है, क्या बोलूँ, अब बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या हो गया भाई? अरे इस रोजगार से कुछ होता नहीं है, घर की कमाई भी पूरी नहीं होती है, घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। हाँ ये बात तो तू ठीक ही कह रहा है भैरव। लेकिन कर क्या सकते हैं, इस गांव में क्या और कुछ है, और कुछ करने लायक है नहीं, और हमारे पास तो खेत भी नहीं है जो खेती कर ले। हाँ वही बात तो मैं भी बिजली को कहता हूँ, कम से कम यहाँ कुछ पैसे तो मिल जाते हैं। अरे क्या गप्पे लड़ा रहे हो तुम लोगो, काम वाम नहीं है क्या जो गप मार रहे हो, जाओ जाके काम करो। अरे चलो भाई चलो। आओ आओ, पैसे लेते वक्त तो एकदम टाइम पर आ जाती हो, और ऐसे टाइम पास करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। ये लो 50 रुपए भरो तुम्हारे, और ये लो 50 रुपए कालू तुम्हारे। मालिक थोड़े ज्यादा पैसे दे दो ना आप। अरे कालू क्या हुआ, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा, इतने से काम के लिए इतना पैसा भी बहुत है, अगर काम करने का दिल करे तो काम करो, वरना यहाँ से निकल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं मालिक, अब ठीक है, अब 50 रुपए ही ठीक है, दे दो। अरे भाई भैरव क्यों मुसीबत मोल ले रहा है, ये पैसे भी चले जाएंगे। हाँ वो तो है, अरे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं एकदम से। ये लो गौरी 50 रुपए। अरे क्या करूंगी इस 50 रुपए का, 50 रुपए में क्या क्या चलाऊं जरा बताओ तो। अरे अभी संतोष कर लो, अभी और कोई उपाय नहीं है। आजी कितने समय से कह रही हूँ ये वाला काम धंधा छोड़ दो, तुम तो मानते ही नहीं हो। अरे बिजली जैसे चल रहा है अभी चलने दो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितने समय से कह रही हूँ ये वाली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करो, लेकिन आप तो बात समझते ही नहीं हो। अरे बिजली चिक चिक मत करो, जो घर में है वही मुझे खाने को दे दो, तुम समझती तो है वो नहीं, बस बोले जाती हो। अरे भाई ये गोदाम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी है? अरे कालू भैया तुम्हें नहीं पता है, ये देखो गोदाम बंद हो गया, अब आज से यहाँ कोई काम नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे हो, गांव में एकमात्र यही तो जगह थी, और तो कहीं कुछ भी नहीं था, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे नहीं पता कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमारा दाना पानी उठ गया है, अब कुछ और देखना होगा सुनना होगा, चलो घर चलते हैं। अरे मेरा क्या होगा, मेरा तो घर इसी से चलता था। अरे मौसी अब क्या कर सकती हो, अब किसी का धंधा नहीं चला तो उसने बंद कर दिया, इसमें अब क्या कर सकते हैं, चलो चलो अपने अपने घर चलो। जी बड़े जल्दी आ गए, क्या हो गया?
अरे होना क्या है, गोदाम बंद हो गया। तुम लोग बार बार रोज रोज कहते थे नौकरी छोड़ दो नौकरी छोड़ दो, लो आखिर छूट ही गई नौकरी। अब बताओ क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? अजी आप मेरे ऊपर नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तो बस कुछ दूसरा धंधा करने को कहती थी। अरे दूसरा धंधा दिखाओ तो सही, कौन सा धंधा बचा हुआ है जो मैं करूं? अरे तालाब के पास हमारी जमीन है, उस जमीन पर हम सब्जियां बोते हैं, कद्दू बोएंगे, कद्दू बोने से अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और घर के लिए भी सब्जी हो जाएगी। अच्छा चलो कल देखता हूँ। अरे कालू भैया क्या सोचा है, कुछ सोचा है क्या? अरे क्या सोचूंगा भैरव, सोच रहा हूँ कद्दू लगा देता हूँ, तू भी लगा दे। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। तू जाएगा क्या बाजार, कद्दू के बीज ले आ, ये ले 100 रुपए। अरे चला जाऊंगा। अरे भैया जरा कद्दू के बीज देना अच्छे वाले। हाँ हाँ ये लो, ये बढ़िया वाले कद्दू है, बहुत सारे कद्दू फड़ेंगे एकदम, एक पौधे में 1000 1000। अरे वाह ये तो बढ़िया रहेगा, यही वाला दे दो। जी क्या कर रहे हो? अरे देख लेना ना, जब इसमें कद्दू फलेंगे तो। अरे मुझे भूख लगी है, कितना अच्छा कद्दू है, मुझे एक दोगे क्या? हाँ हाँ बुढ़ी अम्मा ले जाओ तुम्ही, हमारी तो किस्मत ही खराब है, कद्दू के पौधे भी लगाए तो ये कहीं फल आया, ले जाओ। अरे भैरव ये कद्दू कहाँ से आ गए इतने सारे, कल तक तो एक ही कद्दू था। अरे हाँ मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, ये तो कोई जादू जैसा लग रहा है। हाँ हाँ मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अजी मुझे तो ऐसा लगता है तुमने उस बूढ़ी बाज की मदद की, इसी वजह से हमारे पौधों में बहुत सारे कद्दू हो गए हैं, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है और हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। देखा अरे बिजली, बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है, ये तो हमारे काम से भी अच्छा है। अच्छा है ना, मैं कहती थी ना, अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, ये जो तालाब है ना, इस तालाब में मछलियाँ पैदा करना शुरू कर दो, मछलियों के उत्पादन से तुम उसे बेचोगे और बेचकर अच्छे पैसे कमाओगे। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही भैरव से बात करता हूँ और अब हम यहाँ पर मछली पैदा करेंगे। कालू और भैरव तालाब में मछलियाँ पैदा करने लगते हैं और फिर उन मछलियों को बेचकर दोनों ही अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगते हैं। अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों का घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। कालू कौवा आंगन में आता है, बिजली खाना बना रही थी। ओ बिजली सुन रही हो?
अजी क्या हो गया, सुबह सुबह खाना बना रही हूँ दिख नहीं रहा है। अरे मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अच्छा तो फिर? अरे मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ ना जरा। अरे तुम ये दूसरे के खेतों में काम करना बंद कर दो और अपना खेत है ना उसमें सब्जियाँ उगाओ, सब्जियाँ बेचो उसमें भी अच्छा मुनाफा है। लेकिन ये तो मेहनत वाला काम है ना, मुझे मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। अरे शुरू शुरू में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए शुरुआती दौर में कभी पैसे नहीं होते। चलो मेरे साथ खेतों में। चलो अब यहाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, खुदाई करते हैं। चलो अब घर, अब कल आएंगे और यहाँ बीज लगा देंगे, फिर देखना अलग अलग सब्जियों के बीज लगाएंगे और फिर वही बीज जब बड़े हो जाएंगे पौधे होंगे तो अलग अलग सब्जियाँ आएंगी और उन सब्जियों को हम बेचेंगे। हाँ ये तो बहुत सही है। अच्छा ठीक है, कल मैं आऊँगा और यहाँ बीज लगा दूंगा। थे मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था। अरे तू जग्गू, हम लोग खेत पे गए थे। बेटा कल मैं खेत पर नहीं जाऊंगी, बाबा जाएंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ माँ मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है। अच्छा अच्छा मैं रहूंगी ना। अरे बिजली आज तुम घर में ही रहो, मैं बीज लगा कर आता हूँ। एक बार बीज लग गया तो फिर बाकी के काम साथ में कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, आप चले जाओ, जाकर बीज लगाओ। अरे कुड़ाई तो हो ही रखी है, हर जगह अलग अलग बीज लगा देता हूँ। हाँ अब तो बुआई हो गई है, अब एक दो दिन में पानी दूंगा और फिर देखता हूँ क्या होता है। देखा पौधे आ गए ना, अब जल्दी ही ये बड़े हो जाएंगे। वैसे भी सब्जियों के पौधों को बड़े होने में वक्त नहीं लगता है। अरे बिजली क्या फल आए हैं, मस्त सब्जियां हैं, सब तरह की सब्जी है, मजा आ गया। इन सब्जियों को देखकर तो मन में लालच हो जाती है। हाँ ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं। आप इसे बाजार में ले जाओ और बाजार में बेचो, देखना अच्छा मुनाफा होगा। ये लो तुम्हारी टोकरी भर गई, अब जाओ बाजार और बाजार में इसे बेच कर आओ। रे रे, कल मुहे क्या लेकर आया है? अरे मौसी आज सब्जियां लाया हूँ, अपने खेत की है, एकदम ताजी ताजी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अरे रे रे वो तो देख के ही लग रहा है, दे दे मुझे सब्जियां, जितनी मर्जी उतनी, मैं पैसे दे दूंगी। अरे सब्जियां तो बिक गई, कल और ले आऊंगा,
और कल और भी बेचूंगा। ये लो बिजली, आज की कमाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? अरे मुझे जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बनना है। इतना धीरे धीरे तो कब मेरे पास पैसे आएंगे, कब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अरे आप बहुत उतावला होते हो, आप जाओ तो सही, खेत की सब सब्जियां पहले बेचो तो सही। अच्छा देखता हूँ। अरे ये लो बिजली। अरे आज तो बढ़िया मुनाफा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे हमारा काम नहीं चलने वाला है। अरे तो फिर क्या सोचा है? मैंने सोच रखा है, ऐसे नहीं, मैं गांव के ही सारी सब्जियां सस्ते में खरीदूंगा और फिर शहर ले जाकर महंगे में बेचूंगा, इससे मुझे ठीक मुनाफा होगा। अरे गांव वालों को ठगोगे इसी गांव में रहकर? अरे इसे ही बिजनेस कहते हैं, तुम परेशान मत हो। लेकिन गांव के लोग अगर जान गए तो वो ये सोचेंगे कि हम बहुत बुरे हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने कहा ना। लादो भाई सारी। हाँ हो गई, बैलगाड़ी भर गई। हाँ हाँ भर गई मालिक। चलो भाई इसे ले चलो शहर। ये देखो बिजली, देखा कमाई, अब समझ में आया, इसे कहते हैं कमाई। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ अब देखना हमारी कमाई और बढ़ेगी, दिन दूनी रात चौगुनी। बिजली मैं सोचता हूँ ना, थोड़ी सड़ी गली सब्जियाँ भी ले लेता हूँ, वो सस्ते में मिल जाएंगी, उसे अच्छी सब्जियों के साथ मिलाकर बेचूंगा तो मुनाफा और ज्यादा होगा। अरे तुम्हारा लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, देखना किसी दिन बहुत बुरे फंसोगे तुम। अरे तुम तो सिर्फ बुरा बुरा ही बोलती हो, कभी अच्छा नहीं बोलती, देख रही हो हमारे पास कितने धन दौलत हो गए हैं, हमने अब बड़ा घर बना लिया है। अरे मैं ना थोड़ा ब्याज ले लेता हूँ मुखिया जी से, इस बार ज्यादा सब्जियां खरीदूंगा, लाख रुपए दे दो मुखिया जी। अरे कालू गिरवी रखने को क्या है, अरे मुखिया जी मेरा घर है ना, ले लो ना। अरे वैसे भी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मेरा मुनाफा ठीक ठाक होता है, सोच लो अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हारे घर पर कर लूंगा कब्जा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। अरे मुखिया जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बिजली ये तो मेरी सारी सब्जियां सड़ गई, अब क्या होगा, मैंने मुखिया जी से ब्याज पे पैसे लिए थे। अजी मैं कितने समय से आपको कह रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर भरोसा तो होता नहीं है, आप लालच में पड़े हुए हो, थोड़े से संतोष होता नहीं है।
अरे अब क्या होगा, मेरी सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं। अरे भाई कालू, आज तुम्हारा पैसे देने का दिन था, तुम आए नहीं, मुझे आना पड़ा। भैया पैसे दे दो। अरे मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं मुखिया जी। अरे उससे मुझे क्या, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारा घर मेरा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। देखा ना, गलत काम का आखिर गलत ही अंजाम होता है। तुमने लोगों के साथ धोखा किया और आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। तुम्हारी सारी चालाकी, तुम्हारी सारी मेहनत, सब कुछ बेकार हो गई। इसीलिए कहते हैं गलत रास्ते पर मत चलो। कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से रहो, वरना यही हश्र होता है। अब चलो, कम से कम खेती मजदूरी बची हुई है, वहीं पर काम करते हैं और फिर से अपने संसार को बनाएंगे। अरे बिजली, मैं तो बहुत बुरा फंस गया, इतने साल बर्बाद हो गए, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। ये तो होना ही था।